हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल 10 स्टार मीडिया। दोस्तों, हेरा फेरी 3 को लेकर कुछ अपडेट सामने आई है जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि हेरा फेरी 3 हमें कब तक देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, हेरा फेरी 3 की स्टार कास्ट में कौन कौन होने वाला है, मतलब कि हमें कौन कौन से एक्टर हेरा फेरी 3 में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हेरा फेरी 3 को फहद समजी डायरेक्ट करने वाले थे, जो कि एक फ्लॉप डायरेक्टर कहलाए जाते हैं। इसके बाद लोगों ने ट्वीट्स किए थे कि फहद समजी को हेरा फेरी 3 के डायरेक्शन से हटाया जाए। अब अपडेट आई है कि मेकर्स किसी और डायरेक्टर को कास्ट करेंगे, और वो डायरेक्टर कौन हो सकता है अभी तक कोई पता नहीं। दोस्तों, स्टार कास्ट की बात करें, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, प्रेश रावल और अभिषेक बच्चन दिखाई देने वाले हैं। और अपडेट ये भी आई है कि इस मूवी में कार्तिक आर्यन और जॉनी इब्राहिम भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर में ये मूवी कब तक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस वक्त हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है। ये जैसे ही कंप्लीट होता है, इसके बाद शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। और ये अक्षय कुमार की मूवी है, तो अक्षय कुमार 40 दिन के अंदर ही शूटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हेरा फेरी 3 हमें 2024 के मिड तक देखने को मिल सकती है। बाकी आप लोग हेरा फेरी 3 को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।